हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनीष, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये डीटीएस का फोर्थ वाला पेपर है, फिजिक्स का एडवांस वाला है ना। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा बच्चों, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर एग्जर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ वन ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड एट P। यहाँ फिगर में देखो, यहाँ P पॉइंट पर एक पार्टिकल है और इसके कारण F1 फोर्स लग रहा है। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 2R। ये सेपरेशन गिवन है। अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस R/2 इज नाउ मेड इन द स्फीयर। द स्फीयर विद कैविटी एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स F2 ऑन द सेम पार्टिकल एट F। फाइंड द रेशियो F1/F2। ये जो क्वेश्चन है, एक बार हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, यही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ध्यान देना, या फिगर यहां पे लिख दे ऐसा। एक तो रेडियस R/2 है, ये वाली रेडियस R/2, इसका रेडियस R, ये, और यहां पर एक पॉइंट P है, ये कितने डिस्टेंस पर है, 2R, ऐसा लिखा है, ठीक है बच्चों, 2R डिस्टेंस पर है ना। देखो फिगर में, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, F1 और F2 का रेशियो। देखो, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास है एल, ठीक है। अब उसमें से जो कैविटी निकाला गया है उसका रेडियस हाफ है। रेडियस हाफ यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो अगर आप 1/2 लिखोगे, 1/2 का क्यूब यानी 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका जो मास है, स्मॉल एम नाम दे दो, इसको हम लोग कैपिटल M/8 लिख सकते हैं ना। पहले F1 की बात करते हैं। F1 फोर्स जो एग्जर्ट होगा, यानी F1 की वैल्यू क्या होगी, G m, और यहां पर पार्टिकल का M0 मास लिख लेते हैं, G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इनिशियल डिस्टेंस क्या है, 2R, ठीक है ना, पूरे स्फीयर के। अब F2 फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये कैविटी के साथ जो स्फीयर है उसके कारण फोर्स F2 है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो F1 है उसमें से इस कैविटी के फोर्स को माइनस कर दे, F2 मिल जाएगा। F1 की वैल्यू तो यही है, G कैपिटल M, फिर यहाँ M0 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर। छोटे से कैविटी में अगर मास प्रेजेंट होता उसके कारण यहां पी पॉइंट पर जो पॉइंट मास है उस पे फोर्स कितना लगता, जी मास को हम लोग M/8 लिख देते हैं, ठीक है ना, ये मास M/8 है, M0। अब डिस्टेंस की बात करें तो 2R-R/2 यानी कि 3R/2 हो जाएगा ना, 3R/2, या आप इसको 1.5R लिख सकते हो। आगे F1 और F2 हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का रेशियो, ठीक है ना, F1/F2। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, अब F1/F2 आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये आंसर 9/7 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/7, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, सिक्स स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार ईच ऑफ सेम मटेरियल आर ऑफ द सेम लेंथ एंड आर नियरली अंडर द सेम टेंशन, यानी टेंशन यहां पर सेम है बट हैविंग डिफरेंट थिकनेस। थिकनेस अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, डेंसिटी सेम है, तो मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं,
वो भी अलग अलग होगा। द स्ट्रिंग ऑन विच वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इज वन हैविंग, अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हम लोग स्पीड की बात करें, स्पीड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है ना बच्चे। म्यू यहाँ क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें, ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। अगर आप इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय एल कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, यानी एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटू रो। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर ए रो। अब डेंसिटी तो बदल नहीं रहा, सेम मटेरियल है, टेंशन सेम गिवन है, जिसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम होगा उसके लिए ये स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हमें फास्टेस्ट बताना है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम यानी थिनेस्ट थिकनेस, मिनिमम थिकनेस, जो थिन वायर होगा, सबसे थिन वायर, उसी में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक बार देखो इसमें क्या लिखा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड एस ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड अ रिसीवर आर, यहां पर रिसीवर आर है, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन विद स्पीड u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम लाइन में, सोर्स और रिसीवर दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन में, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विच इज अप्रोचिंग देम विद द स्पीड u, ये भी इस तरफ आ रहा है एज इन द फिगर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिसीव्ड बाय आर रेस्पेक्टिवली, हमें क्या फाइंड करना है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग अगर वेवलेंथ की बात करें, ध्यान देना, यहां से वेव आया, इससे टकराया, टकरा करके लौटेगा, सोर्स यू स्पीड से चल रही है, सोर्स से तो कोई मतलब नहीं है, साउंड वेव की स्पीड यहां पर क्या होगी 330 मीटर पर सेकेंड, और रिसीवर इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा 330 प्लस 10, ये हो गया स्पीड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ को स्पीड बाय अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऐसा लिख देंगे। अब हमारा काम है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो वेवलेंथ भी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहले तो ये जो सोर्स है ना, ये साउंड वेव एमिट कर रहा है, और यहाँ पर वॉल को हम लोग फर्स्ट टाइम में रिसीवर मान लेते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जो वेव प्रोड्यूस किया है, जो एक साउंड वेव यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए ये रिसीवर का काम करेगा। यहाँ पर रिसीवर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट यूज करेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी को एफ डैश मान लेते हैं, ये एफ डैश, या आप इसको न्यू लिख रहे हो तो न्यू डैश लिख सकते हो, अभी एफ ही लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पर जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, इस जगह एफ डबल डैश, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, डबल डैश क्या मैं बता दूं, अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, तो आप डॉपलर इफेक्ट से क्या लिख सकते हो, एफ नॉट इंटू स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड को अभी हम लोग सी नाम दे दें, कोई तकलीफ तो नहीं, जनरली स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं, अभी सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए स्पीड ऑफ साउंड के लिए, तो सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर का काम करेगा और इसकी वेलोसिटी है यू, फिर डिवाइडेड बाय सी माइनस यू, तो इस फ्रीक्वेंसी से यहां से, अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव यहां से जाएगा उसके लिए ये वॉल कैसा बिहेव करेगा बच्चों, एक सोर्स की तरह, तो अब ये सोर्स बन जाएगा और ये रिसीवर है, फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कंडीशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी था, यानी हम लोग नई फ्रीक्वेंसी की बात करें एफ डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश इंटू सी प्लस यू ओवर सी माइनस यू, ठीक है ना बच्चों, एफ डैश की वैल्यू यहां से अगर आप पुट कर दो तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ नॉट इंटू सी प्लस यू बाई सी माइनस यू स्क्वेयर। अब आगे क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, c की वैल्यू 330 गिवन है, u की वैल्यू 10,
और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 256। देखो सॉल्व करते हैं, एफ नॉट 256 गिवन है, 330 प्लस 10 यानी 340 बाय 330, 330 माइनस 10 है ना, 320 लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 17/16, तो 17 का स्क्वायर लिख दे 289, 16 का स्क्वायर 256, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिक्स ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 289, और यहां पर अगर आप पुट कर दो तो ये 340/289, यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी और अपरेंट वेवलेंथ हमें मिल गया। ठीक है, इसका आप ऐसा ही नोट लिख सकते हो। अब देखिए आंसर 340/289 मीटर और 289 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, द इक्वेशन ऑफ वेव्स आर y1 y2 और y3, तीन इक्वेशन गिवन है, द टाइम एट विच इंटेंसिटी इज मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, y1 y2 y3 गिवन है। अब देखो y1 और y3 इसको एक साथ लेते हैं, y2 को अलग करते हैं। y1 और y3 इन दोनों में a तो कॉमन आ जाएगा, और साथ में क्या है देखो, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी ऐसा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a, साइन a के बदले आप क्या लिखोगे 2πft, और cos b 4πt, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ठीक है, अब f तो फ्रीक्वेंसी है वेव के लिए, ज्यादा होगी y2 की वैल्यू, अब यहां से आप पुट कर दो, y2 क्या है a sin 2πft, दोनों में से a sin 2πft कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos 4πt इंटू ए, ए को आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, ए को यहां लिख देते हैं, साइन 2πft ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये जो साइन 2πft है ये टर्म फ्रीक्वेंसी के लिए है, हमें क्या चाहिए मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, तो इस तरह से वेरी करेगा, और ये टर्म एम्पलीट्यूड में लिखेंगे जो टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड को देखना पड़ता है, तो हम लोग इसका एम्पलीट्यूड ऐसे ए डैश मान लें, ए डैश इंटू साइन 2πft, तो ए डैश की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ए इंटू 1 प्लस ऐसे लिख देते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 cos 4πt। या गया इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर है तो नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, दोनों ही कंडीशन में नॉन जीरो आ जाएगा इंटेंसिटी जो है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए इस टर्म को जीरो कर सकते हैं, आप इसको जीरो करो और आंसर आ जाएगा। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए 1 प्लस 2 cos 4πt ये हो जाएगा 0, आप ऐसा लिख सकते हो cos 4πt माइनस हाफ, यानी 4πt की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप माइनस हाफ लिखते हो ना, माइनस हाफ का मतलब हो गया cos, ऐसे लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये 2π/3 लिखते हैं। ठीक है ना, 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 डिग्री क्या होता है, माइनस हाफ। तो अब अगर cos थीटा, देखो यहां पर एक टर्म में लिख रहा हूं,
अगर कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल आ गई तो अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 2n π ± θ। बस यही पुट कर देना और आंसर आ जाएगा 4πt। ये क्या हो जाएगा, 2n π ± θ के बदले 2π/3। अब n के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, t की वैल्यू हमें मिलती जाएगी और जब आप सॉल्व करोगे ये सेकेंड आंसर मैच कर जाएगा। सिंपल है, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन, बाकी सिंपल है। एक दो आप सॉल्व करोगे उसके बाद ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 0 0 लिखा है इसमें तो आएगा नहीं, अब उन दोनों में से कोई होगा, एक दो करके ही आंसर पता चल जाता है। अब चलो ये पैराग्राफ आ गया, ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सेंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, होता है कंजर्वेटिव है, वी कैन कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो दोनों की जो टोटल एनर्जी है हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड सिस्टम इज 0, वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर दो पार्टिकल है या कुछ भी दो पार्टिकल का सिस्टम है, उन दोनों में सिर्फ म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नेट टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना इसलिए क्योंकि जब फोर्स आप सेंट्रल फोर्स की बात करें ना, ऐसे जैसे फोर्स लग रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 लिखा हुआ देखें। Since the gravitational force between two interacting particles are axial direction pair and collinear, the net torque experienced by the system about any inertial point is 0. Hence, angular momentum of the system remains constant about any internal point, any inertial point. Sorry. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो, एक तो हम लोग linear momentum को conserve कर सकते हैं, angular momentum conserve कर सकते हैं, total energy conserve कर सकते हैं, ठीक है। बस अब हमें क्या बताना है, यूजिंग द अबव आइडियाज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, ये पहला क्वेश्चन है, उसके लिए देखो क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास m, ये है m मास, ठीक है, विच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल m, इज प्रोजेक्टेड टेंजेंशियली टू अर्थ सरफेस विद स्पीड। यहाँ से टेंजेंशियली फेंक रहे हैं अर्थ सरफेस से और उसकी स्पीड दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 4gm/r। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा उसके बाद लौट आएगा, तो वो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, और 6th भी इसी से रिलेटेड है, इसमें क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, उसके बाद फिर वापस लौट आएगा इस पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी गिवन है, वी नॉट मान लिया, ठीक है ना, वी नॉट दिया है, वी नॉट ही दिया है, वी नॉट की वैल्यू गिवन है बच्चों, वी नॉट, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इसको सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तभी तो और दूर नहीं जा रहा है ना, फिर उसके बाद लौट करके आ जाएगा ग्राउंड पे। इस वक्त वेलोसिटी वी है, हमें तो ये वेलोसिटी वी फाइंड करना है, दूसरा ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो अगर आप इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है और वी फाइंड करना है, ये समझना है ना, एच और वी। यहाँ पर रेडियस आर है, वी नॉट की वैल्यू गिवन है और ये भी दिया है, देखो देखिए इंफॉर्मेशन गिवन है, V नॉट की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 4gm/r, ठीक है। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ऐसा लिखा जा सकता है, m V नॉट इनटू r इज इक्वल्स टू स्मॉल m V इनटू r। एक रिलेशन ये आ गया, V नॉट r इक्वल्स टू V इनटू r, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन लिख सकते हैं, इस पॉइंट की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पर सिस्टम की टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, इक्वल होगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, माइनस जी कैपिटल एम, कैपिटल एम हम लोग अर्थ का मास कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर
प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन टू। दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है, एक तो वी दूसरा आर। सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू आती है v नॉट बाई टू और जो r है ये 2h, 2r आ जाता है। सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाएगा, हमें फाइंड करना है h, तो h को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं 2r माइनस मतलब स्मॉल r माइनस कैपिटल r, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। दो आंसर आएंगे, फिफ्थ का और सिक्स्थ का, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। फिफ्थ में हमें मैक्सिमम हाइट बताना है क्योंकि सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब सरफेस से r हाइट पर होगा। और सिक्स्थ में क्या बताना था, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट बाई टू, बस हो गया, स्पीड ऑफ द बॉडी एट मैक्सिमम। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब आगे बढ़ेंगे। ये नया पैराग्राफ इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ध्यान देना। क्या लिखा है, वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू V नॉट साइन 100t इज कनेक्टेड टू अ ब्लैक बॉक्स इन विच देयर कैन बी इधर वन एलिमेंट आउट ऑफ L, C, R और एनी टू ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, या तो सीरीज में हो सकते हैं इनमें से कोई भी दो, या फिर कोई एक हो सकता है, ठीक है। A steady state, at steady state, the variation of current in the circuit and the source voltage are plotted together with time using an oscilloscope as shown. देखो, ये फिगर में हमने ग्राफ भी दिया हुआ है और इस ग्राफ से आप देख सकते हैं करंट जो है ना वो लीड कर रहा है, ठीक है। करंट आ गया ना, देखो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, इसका मतलब ये जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट है। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो 90 डिग्री लीड कर रहा होता। अब हम लोग जरा फेज देखते हैं कि कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो तो 100 है और टाइम यहां पर दिया ना, तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा पाई, एक तो 100 है दूसरा पाई बाय 400, तो ये सॉल्व करके पाई बाय 4 आ रहा है, पाई बाय 4 आया ना, 90 डिग्री तो नहीं आया, इसका मतलब ये आरसी सर्किट है, ये समझ में आया, ऐसा सर्किट होगा आरसी सर्किट, ठीक है। ओनली सी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए 90 डिग्री होना चाहिए फेज डिफरेंस, एलसी में ऑसिलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। और यहां पर एल आर हुआ तो करंट लैग कर जाएगा, तो ऐसा तो कंडीशन है ही नहीं ग्राफ में, यानी कि सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सेवेंथ हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एट्थ में हमें क्या फाइंड करना है, देखिए जरा एट्थ में कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस जो भी दिया है, हमने आरसी बोला तो आर और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब इसको आगे देखो, यहां पर आई नॉट दिया है, वी नॉट दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड की वैल्यू वी नॉट बाय आई नॉट यानी 100/√2 50/√2, जेड की वैल्यू मिल गई। दूसरा देखो तो फेज डिफरेंस कितना है 45 डिग्री का, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो कि एक्स सी और आर दोनों इक्वल होंगे क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, देख रहे हो फेज डिफरेंस है 45 डिग्री, तो दोनों इक्वल है। अब यहां पर आप एक्स सी और आर दोनों इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे 50 ओम, तो R तो मिल गया। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं XC है 1/ω(C), ये 50 गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 100 गिवन है, तो C की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1/5 और ये 1000 हो गया ना 10^-3, ये आप इसको 200 microfarad लिख सकते हो, ठीक है। तो RC मिल गया, इसका तो आंसर आ गया था ना 7th का 4। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, R की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 200
माइक्रोफेराड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये दो पैराग्राफ है, फिर से देखें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। लिखा है इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। ये कैपेसिटर पर पहले 5 वोल्ट का चार्ज है इनिशियली, एंड देन कनेक्टेड टू द पोजीशन 1 पे इसको कनेक्ट किया। तो देखो ये फिर से इधर से चार्ज करना शुरू करेगा, ये एक सेल की तरह इनिशियली बिहेव कर रहा है। विद द सोन पोलैरिटी फॉर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर एट पोजिशन 2। यहां से फिर बाद में इसको सेकेंड पोजिशन पर ले जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द कनेक्शन टू पोजिशन 1। यहाँ पर जब कनेक्ट किया तो उसके 1 सेकेंड के बाद यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो फाइंड करना है, और कुछ फाइंड करना है। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द एलसी सर्किट इज व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर। अब इसको यहां से जब इस तरफ करेंगे तो मैक्सिमम करंट क्या होगा हमें ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, अगर पहले से चार्ज हो तो टी टाइम में जो चार्ज मिलेगा, ठीक है, अगर मान लो क्यू चार्ज था इनिशियली, क्यू इस रेट से डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और बाद में मैक्सिमम चार्ज कितना होना है क्यू नॉट 1 - e^-t/tau। ये ट्रिक है, हम लोग पूरा इक्वेशन लिख करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके फिर आंसर लाते हैं, उसके बजाय ये ट्रिक आप ध्यान रखना बच्चों। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पोलैरिटी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो उसके कारण यहाँ पर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है 10 × c, 10 c चार्ज हो सकता है। तो एक तो ये चार्ज होगा टाइम के साथ, और पहले से इसमें कुछ चार्ज है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 5 c चार्ज पहले से है, तो वो एक तो डिस्चार्ज एक चार्ज, दो इक्वेशन है, दोनों को एक साथ लिख दो बस, किसी भी टी टाइम पर आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। ये ट्रिक है, अदरवाइज आप इक्वेशन लिखोगे पूरा लूप लॉ लगा करके इक्वेशन लिखना होगा, हो सकता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म में आ जाए, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है, लेकिन आंसर यही आएगा, ठीक है बच्चों। तो सी हमें पता है, सी की वैल्यू 10 mF ऐसा कुछ लिखा है, देखो क्वेश्चन में जो भी दिया 10 mF है। एल की वैल्यू तो बाद में हम लोग यूज करेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। फाइव वोल्ट तक तो 5 c e^-t/tau, और ये 10 वोल्ट है 10 c 1 - e^-t/tau। ऐसा लिख दे रहे हैं। अब 5 c आप चाहो तो कॉमन ले लो, यहां पर e^ था, यहां 2, तो एक तो 2 आएगा -e^-t/tau। अब जरा टाइम कॉन्स्टेंट की बात करें, देखो r की वैल्यू क्या गिवन है, r की वैल्यू 100 गिवन है, 100 ओम, RC हो जाएगा 10 × 100/1000 मिली फेराड है ना, तो ये 1 सेकेंड आ गया। टाउ की वैल्यू 1 गिवन है, ये Q गिवन है, तो V को हम लोग लिखते हैं Q/c, यानी 5 × 2 - e^, ये भी 1 और टाइम कांस्टेंट भी 1, क्या रिजल्ट आ जाएगा 5 × 2 - 1/2, इतना वोल्ट आ जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 सेकेंड के बाद। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, देखो तो यानी क्या 5 × 2 - 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 5 × 2 यही तो लिखा 5 × 2 × 1 -। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर। मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं ना बच्चों,
एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कट जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल तो ये है, ठीक है। तो आई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई एल इंटू वी, वी की वैल्यू है और सी और एल देखो तो सी दिया हुआ 10, एल दिया हुआ 2.5, तो सी बाई एल कितना हो जाएगा 10 बाई 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, तो 2 टाइम्स कर देंगे 10, ये वाला आंसर आएगा। देखो तो मैं ये लिख देता हूं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 माइनस 1 बाई, बस अब करंट मिल गया 2 इंटू 1 माइनस सी इंटू 10 एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो 9th और 10th ये दोनों सॉल्व हो गए ना, ठीक है। अब ये मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। द वर्क डन ऑन द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज जीरो, जीरो कब होगा ये हमें बताना है। इलिप्टिकल पाथ है, मान लेते हैं यहाँ पर सन है, प्लैनेट कहीं है। इन सम पार्ट ऑफ ऑर्बिट, इन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, इन नो पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो बच्चों, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है, तो अगर कहीं से एक जगह से स्टार्ट किया वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, वर्क डन जीरो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। बाकी जो तीन ऑप्शन है उनमें से चेक करना है, थर्ड में लिखा है कि और कहीं भी, इन नो पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, इन एनी पार्ट किसी भी पार्ट में, और इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। ध्यान देना बच्चों, हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां से चलना शुरू किया इस जगह पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये मान लो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, माइनर एक्सिस, इधर मेजर एक्सिस, इधर माइनर एक्सिस। तो ये जो माइनर एक्सिस है उसमें यहां से चल करके ऐसे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे तो डिस्टेंस सेम, स्पीड भी सेम, यानी काइनेटिक एनर्जी भी सेम। इस पॉइंट की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी, अगर एक को बी नाम दे रहे हैं दूसरे को बी डैश, तो बी और बी डैश की टोटल एनर्जी सेम रहेगी, कंजर्व रहेगा। जब टोटल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर आता है तभी कुछ वर्क डन होता है, या टोटल एनर्जी में ही चेंज नहीं आया तो वर्क डन हुआ नहीं, नेट वर्क डन जीरो। तो इन एनी पार्ट नहीं, इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, ये तो हो सकता है, नो पार्ट तो आप लिख नहीं सकते ना क्योंकि हमें मिल गया। अब इन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है, कि यहां से चला यहां तक आया उसमें भी वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्या ऐसा होगा, अगर यहां से इस जगह आया काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। बच्चों हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास आता है या सैटेलाइट अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ऑब्वियसली वर्क डन होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखो क्या लिखा है, इनसाइड अ स्फेरिकल, इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, अ कैविटी ऑफ रेडियस r बाय 3 इज मेड इन द स्फीयर s, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर कैविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म, सही लिखा है बच्चों, कॉन्सेप्ट ही होता है ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई भी एक आप स्फीयर ड्रॉ करो उसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ऐसे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो फील्ड इस लाइन के प्रोपोर्शनल होगा, पैरेलल होगा हमेशा, और कांस्टेंट होगा डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन है पूरा थ्योरी में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लो इस जगह से
इस पॉइंट को ओ नाम दे दो। चलो मैं फिर से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि ऐसा कैसे है। ये ओ, यहाँ पर ओ डैश, इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, जी एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ऐसा लिखते हैं। अब m बाई आर क्यूब तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब लिखते हैं, आर क्यूब कट जाएगा, ये टर्म कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को k मान लेते हैं, ठीक है। तो के आर हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो देखो P पॉइंट पर पूरे स्फीयर के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, K इंटू वैक्टर ओ पी, और डायरेक्शन किधर होगा, इस तरह सेंटर की तरफ, ठीक है ना, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इसके कारण जो होता वो इस डायरेक्शन में होता, कितना लिखते माइनस के इंटू वैक्टर ओडेस पी, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए इनका डिफरेंस लेंगे, जब डिफरेंस लोगे माइनस के आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ओ पी माइनस ओ डैश पी, आप इसको लिख सकते हो ओ पी प्लस पी ओ डैश। और देखो बच्चों OP, OP प्लस PO डैश को OO डैश लिख सकते हैं, OO डैश, ठीक है ना, OO डैश इधर है तो नेट फील्ड उसके अपोजिट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे से पहले ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखो, उसमें क्या लिखा है, स्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर अर्थ एंड पार्टिकल सिस्टम ओनली। स्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, किसी भी मून के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं ना, तो ये तो गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, स्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, अगर इस पॉइंट के लिए स्केप वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं कैलकुलेट करने के बाद, देखो यहां पर है ना, ये जो स्फीयर है वो ऐसे है, तो यहां से डिस्टेंस मिल जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अभी अभी इस तरह सबसे पहला क्वेश्चन जो था F1 और F2 फोर्स फाइंड करते थे, इसी तरीके से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, इस पॉइंट पर एनर्जी मिल जाएगी हमें, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एस्केप वेलोसिटी इन्फिनिटी पर एनर्जी को जीरो कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, दूसरा इसके सब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 45 आर आएगा, ठीक है, क्या लिखा है 15 आर, तो ये थर्ड आंसर भी गलत हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। प्रोसेस तो समझ गया ना, बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट के लिए एक तो काइनेटिक एनर्जी लिखना है हाफ एम वी स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिखते हैं, जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल होता माइनस जी, रेडियस वन थर्ड है तो मास कितना हो जाएगा, 1/27 टाइम्स 27 एम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस, क्योंकि ये बिल्कुल ना एक ही लाइन में, समझ रहे हो, एक ही लाइन में, ये थोड़ा सा इमेज ऐसा है, तो आर प्लस यहां पर है ना, अब 2r में से r बाई थ्री को माइनस कर देना, 2r माइनस r बाई थ्री, तो आपको ये सेंटर से ये वाली दूरी मिल जाएगी, ठीक है, अब पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन सिंपल है। अब थर्ड क्वेश्चन में आओ, देखो इसमें क्या लिखा है, टू स्फेरिकल प्लैनेट्स हैविंग द सेम मास बट डेंसिटीज आर इन द रेशियो 1:8, मास सेम है, डेंसिटी का रेशियो अलग अलग है,
यानी कि 4/3 पाई आर वन क्यूब रो वन इक्वल्स टू 4/3 पाई आर टू क्यूब रो टू। तो 4/3 पाई कट जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, आर वन बाय आर टू टू दी पावर 3, ये हो जाएगा रो टू बाय रो वन, 8 है ना, रो टू बाय रो वन यानी कि 8/1, तो आर वन बाय आर टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 1:8 में है, हम लोग पहले का मास m1 मान लेते हैं, दूसरे का मास m2। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का मास सेम है तो मास को इक्वल कर दिया, डेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है 1:8, तो 1/8 रो टू बाई रो वन था ना, उल्टा कर दिया, यहाँ पर आर टू है, समझ रहे हो, ये आर टू है, आर थ्री नहीं, इसको पूरे को मिटा ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं आर टू क्यूब रूट टू, ऐसा है। तो देखो आर वन और आर टू के बीच हमें रिलेशन मिल जाएगा, एक रिलेशन ये मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस प्लेनेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन द रेशियो, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो चाहिए, मास तो सेम ही है, तो जी को आप क्या लिखते हो, जी एम बाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस दोगुना होगा उसके लिए जी की वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी, समझ में आया, तो यहाँ पर इसी का फोर लिख दिया। फर्स्ट आर वन ज्यादा है ना, तो जी वन कम होगा, 1:4 ये आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, रूट टू जी एम बाई आर, यहां पर 2 है तो अब रूट टू के टर्म में आएगा, रूट टू जी एम, ये तो कांस्टेंट होगा ना क्योंकि मासेस सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r आ गया, इसका रेडियस ज्यादा है तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी कम होगा, यानी 1:2 में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहां तो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी g की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो गई है, एट अ कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन सैटेलाइट हैज इट्स पाथ, ठीक है। देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहना है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वी आर कॉन्स्टेंट होगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा, मास तो कॉन्स्टेंट होता ही है, ठीक है। अब रेडियस और पाथ ग्रेजुअली स्पाइरलिंग आउट अवे फ्रॉम द सेंटर, फिर ये लिखा है टुवर्ड्स द सेंटर, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों को कंजर्व ही रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बाहर जाएगा या अंदर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कंडीशन लिखा, बस जी की वैल्यू लिखा ना, तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर, आप अगर स्क्वायर कर दो तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी स्क्वायर आर बाई एम इक्वल्स टू जी, अब इसको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय आर कर दे तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट है, इसका मतलब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है ना। जी की वैल्यू कम हो रही है तो आर बढ़ेगा, जी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो आर कम होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जी इज डिक्रीजिंग, जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जी का मान कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये स्पाइरलिंग आउट घूमते घूमते बाहर की तरफ जाने लगेगा ऐसा, ठीक है, और बाहर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज होता जाएगा, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें क्या लिखा है, इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो द सर्किट हैज नो रेसिस्टेंस, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द रॉड to move it with constant velocity, constant velocity से ये चल रहा है towards the right side, which of the following increases linearly, ये constant velocity है ना, तो इसकी velocity vt अलग अलग समय में बढ़ती जाएगी। अब हम लोग
बात कर रहे। देखो मान लो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये लेंथ एल नॉट है, ठीक है, टी टाइम के बाद यहां कहीं पहुंच गया, तो ये जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, वी नॉट टी एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस वी टी, लिख सकते हैं। लेंथ जो है यहां पर वो ऐसे बढ़ रहा है। अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल, ठीक है, तो एल नॉट, ये एल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक्चुअली लेंथ कौन सा होता है, ये वाला। तो मैं एक चीज यहां पर आपको ऐसे कह दूं कि अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये वाला लेंथ भी लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है, उसको मैं आपको समझा देता हूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। VT मैं यहाँ पर लेंथ के लिए देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, ये L नॉट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V नॉट, VT मान लिया, तो ये लेंथ हो गया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो, ऑल्टीट्यूड का रेशियो, मेडियंस का रेशियो सब समान होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये जो पहले लेंथ था और बाद में लेंथ, पहले का लेंथ हम लोग एल नॉट मान लेते हैं, बाद का लेंथ एल मान लेते हैं, एल नॉट और एल का जो रेशियो होगा वो एल नॉट और एल नॉट प्लस के टी, वी टी है ना, एल नॉट प्लस वी टी इसके बराबर हो जाएगा। यहां से आप एल की वैल्यू लिख सकते हो, एल इक्वल्स टू एल नॉट बाय स्मॉल एल नॉट इंटू एल नॉट प्लस वी टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको के मान लो ना। तो L की वैल्यू हम लोग क्या लिख दें, K इंटू एल नॉट प्लस वी टी, ये लेंथ हो गया। EMF की बात करें, EMF हो जाएगा B V L और L के बदले K एल नॉट प्लस वी टी। करेंट की बात करें, करेंट क्या हो जाएगा, EMF बाय रेसिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर तो रेसिस्टेंस नहीं है ना, चार्ज है। देखते हैं और क्या क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, करंट इन द सर्किट, फोर्स अप्लाइड, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो जब तक यहां पर क्या है, चार्ज का फ्लो होता रहेगा तब तक एक करंट होगा, ठीक है। ईएमएफ अगर हमें पता है तो क्यू को क्या लिख सकते हो आप, सी भी लिख सकते हो, और करंट क्या हो जाएगा, डीक्यू बाई डीटी, सी कॉन्स्टेंट है, यही तो है वी पोटेंशियल, तो सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इस वी को ना आप ई लिख दो, ठीक है। तो बी वी के, एल नॉट का जीरो आ जाएगा, एक और बी आ जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होगा, आई एल इंटू बी, अब यहां पर लेंथ क्या है, एल, आई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, लेकिन लेंथ है के इंटू एल नॉट प्लस वी टी, ठीक है। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस दिया था, सबसे पहले भी लिखा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर हम लोग चार्ज की बात करें, Q, C, B, V, K, L नॉट प्लस वी टी, ये T के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि Q सही होगा। दूसरे में क्या लिखा है, देखो करंट इन द सर्किट, करंट तो कांस्टेंट है ना, करंट गलत होगा। तीसरे में क्या लिखा है, फोर्स अप्लाइड, I, L, V, देखो तो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं ना, लीनियरली फोर्स, ये भी सही है। और फोर्थ में क्या लिखा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये भी सही है। अब समझ में आएगा, यानी करंट के अलावा सारा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द फिगर रिप्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजिशन ग्राफ फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, उसके लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, पोजिशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पोजिशन के साथ। हमें बताना है कहाँ पर कॉम्प्रेशन और कहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है, ध्यान देना बच्चों। ये पॉइंट पर अभी डिस्प्लेसमेंट और बी और डी पॉइंट पर जीरो है, अगर हम लोग बी पॉइंट की बात करें, B पॉइंट के ठीक लेफ्ट में जो पार्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी यहां के बदले यहां है, ठीक है, और
इसके राइट में जो पार्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यानी इस जगह के बदले वो भी यहाँ पर है। देखो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्रेशन। ये समझ में आ रहा है? अब डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट के ठीक राइट में जो दूसरा पॉइंट है उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी अगर यहां होना था तो असल में वो यहां है, ठीक है। फिर डी पॉइंट के ठीक लेफ्ट में जो पॉइंट है उसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी अगर यहां होना था तो असल में वो यहां है। देखो तो पार्टिकल दूर 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 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन। तो इस पॉइंट पर सी डी ई में रेयरफैक्शन होगा, सी डी ई रेयरफैक्शन, ए बी सी में कॉम्प्रेशन, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है, टू पल्सेस ट्रेवलिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग आर डिस्क्राइब्ड बाय, इक्वेशन दिया हुआ है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, डायरेक्शन इन विच ईच पल्स इज ट्रेवलिंग, वाई वन, देखो वाई वन में माइनस है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में लिखा है टाइम वेन टू वेव्स कैंसल ईच अदर इज, दोनों वेव कैंसिल करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, थ्री एक्स तो दोनों में है, एक तरफ माइनस में 40 है, दूसरे में माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस 40, तो 8t6 के बराबर t की वैल्यू हो जाएगी 6/8.75, ठीक है ना, 3/4 आप लिख सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में क्या लिखा है, पॉइंट वेयर टू वेव्स ऑलवेज कैंसल इज, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए y1 प्लस y2 हमेशा जीरो, तो y1 प्लस y2 को जीरो करने के लिए, अब देखो 40 के अलावा ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, अगर बाकी सारे टर्म्स सेम हुए, ब्रैकेट के अंदर वाला सेम हुआ तो कट ही जाएगा ना, तो 3x है यहाँ पर, और यहाँ पर 40 प्लस में था माइनस में था, तो हम साइन को बदल देंगे, ध्यान रखना माइनस 40 है प्लस 3x है, तो अगर इसको आप प्लस 40 लिख रहे हो तो माइनस में क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, यानी कि 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 1, तो ये थर्ड भी सही हो गया। फिर लिखा है एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फॉर टू वेव्स, दोनों के लिए एम्पलीट्यूड तो सेम ही होगा, जब ये टर्म जीरो हुआ तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 5/2 मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के लिए सेम होगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल इज, एल मूव्ड एट अ कांस्टेंट रेट, एल इज मूविंग, ऐसा होना चाहिए, मूविंग एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग स्मूथ फिक्स्ड रेल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया हुआ है ऐसे, अ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रेल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, हम लोग चेक करते हैं कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट लिखा है फॉर गिवन कंडीशन थर्मल पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे एफ बी हो जाएगा, और थर्मल पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, दोनों को अगर सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा आई एल बी इंटू वी, आई की वैल्यू होती है ई एम एफ बाई आर, और बी वी एल तो स्क्वायर ही हो जाएगा ना, स्क्वायर ही हो गया, और आई स्क्वायर आर की बात करें यहां क्या हो जाएगा ई एम एफ बी वी एल का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां पर भी आर एक आर करके दोनों सेम आ जाएगा, पहला सही लिखा है, ठीक है। दूसरे में लिखा है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल, अगर एक्सटर्नल फोर्स को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, देन अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, जाहिर सी बात है उधर तो फोर्स लग रहा है आई एल बी, इधर फोर्स 2 ILB लग रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड में लिखा है लेंज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, लेंज लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा इफ द रॉड इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड हो या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले लेंज लॉ तो लगेगा।
फोर्थ में लिखा है रेसिस्टेंस आर इज डबल देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी हाफ। पावर की बात करें, पावर क्या था बच्चों, अभी अभी हमने देखा था एफ इंटू वी आई एल बी इंटू वी और आई के बदले बी वी एल बाई आर और ये भी बी वी एल है स्क्वायर। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अगर रेडियस सॉरी रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। इफ रेसिस्टेंस इज डबल देन पावर रिक्वायर्ड बिकम्स हाफ, ये भी सही है। तो इसका 1, 3 और 1, 2 और 4 करेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आता। देखो 9th में क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड आर इज इक्वल टू 3 ओम, ये सर्किट गिवन है। कंडक्टिंग वायर इज ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, सर्किट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑब्जर्व्ड टू इंक्रीज विद टाइम, वी बी माइनस वी ए। ध्यान देना बच्चों, बी पर पॉजिटिव चार्ज, ए पर नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वी नॉट इंटू 1 - e टू द पावर टी, टी वाई टॉप जो भी है। चलो अब यहाँ पर वी नॉट और टाउ पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। टाउ की वैल्यू है आरसी यानी टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट, सेम लिखा है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, चेक करेंगे। थर्ड में लिखा है करेंट इन द सर्किट, फोर्थ में भी करेंट इन द सर्किट, करेंट की बात करते हैं। पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमें सी वी करने से क्यू मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, पहले लिख दें क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी नॉट 1 - e^-t/rc, ठीक है ऐसा है। अब हम लोग क्या करना है, करेंट फाइंड करना है, करेंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, करेंट डिफाइन करना ना। देखो थर्ड और फोर्थ में करंट लिखा था, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे सी वी नॉट आएगा, इसका जीरो ऊपर में, अभी टाउ ही रहने दो इसको, ठीक है टाउ। ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, देखिए आंसर किस फॉर्म में है, टाउ के टर्म में दिया है, टाउ के टर्म में दिया ना, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 - e^-t/tau, एक तो ये आंसर आ जाएगा सी वी नॉट, इसको हम लोग आर सी लिख दें माइनस टी बाई टाउ, सी से सी कट जाएगा वी नॉट बाई आर, दूसरा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएंगे। देखो तो थर्ड में क्या लिखा, वी नॉट बाई आर हमारे पास है, वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या लिखा है, सी वी नॉट बाई टाउ, यहाँ आया सी वी नॉट बाई टाउ, देखो तो, और फिर जो भी टर्म, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हैं, थर्ड और फोर्थ ये तो करेक्ट आ गया। हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वी बाई डी टी की बात करते हैं ना। EMF हो जाएगा dV by dt into A। अब EMF क्या हो जाएगा, ये तो है V, V एक तो है potential difference, है ना बच्चों, V की value जरा आप लिख दो, EMF V dV by dt और A की value pi r square, pi r square आएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, आगे हमें सोचना ही नहीं इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है ना बच्चों। हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं पोलैरिटी के हिसाब से, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसका मतलब ऐसे ना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका थर्ड और फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10th में आ जाओ। 10th में देखो बच्चों क्या लिखा है, इन द LRC सर्किट, ये LRC सीरीज सर्किट है, शोन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर्स V1 V2, यहां पर है 100
यहाँ पर है 120 और V3 यहाँ पर है 130, ठीक है। फिर लिखा है करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज इसका मतलब ये हुआ कि XC जो है ये XL से ग्रेटर होगा, ठीक है। फॉर दिस सिचुएशन मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। पहले में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है ना, और दूसरे में भी यही है, तीसरे में क्या है कैपेसिटिव नेचर का, ये तो होगा ही बच्चों, करंट लीड कर रहा है तो कैपेसिटिव नेचर तो होगा ही। दूसरा देखो, मतलब बिना कैलकुलेशन के कह सकते हैं जो दो ऑप्शन है उसमें से इसमें कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कम है 120 माइनस 50 रूट 3 और इसमें ज्यादा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, कैसे होगा आप चेक करना है। इतना तो समझ में आ गया ना कि आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला क्या था, अगर आप फिगर देखो यहां पर x, ये XL है और R है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VR होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VL होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VC होगा, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। तो V1 की अगर बात करें, V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और ये 100 दिया था ना, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा फिगर देखो, वी एल और वी सी, यानी कि वी एल और वी सी का जो भी डिफरेंस है ये 120 है, ठीक है। और तीसरा, तीसरा जो है ना इसमें ये 130 है, यहां पर ये 130 है, तो 130 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 130 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। अब लिखा है ना कैपेसिटिव, देखो कैपेसिटिव नेचर का है क्योंकि करंट इसमें लीड कर रहा था, तो इसको आप VC माइनस VL लिख सकते हो। खैर यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करोगे, वी आर स्क्वायर प्लस 120 12 है, ये 13 है, तो ये VR क्या आ जाएगा 5, यानी 50, VR आ गया 50, यहाँ पर पुट करोगे तो इससे VL मिल जाएगा, क्या आ जाएगा 50 रूट 3, और VC को आप क्या लिख सकते हो, VC हो जाएगा 120 प्लस VL, ये समझ में आया, क्योंकि VC माइनस VL होगा, तो VL यानी कि 120 प्लस 150 रूट 3, अब आ गया ना, फर्स्ट सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन अब ये इंटीजर टाइप, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ कोर ऑफ अ प्लैनेट इज रो वन एंड दैट ऑफ द आउटर सेल इज रो टू, द रेडियाई ऑफ द कोर एंड दैट ऑफ द प्लैनेट आर आर एंड टू आर रेस्पेक्टिवली respectively, ठीक है ना। The gravitational acceleration at the surface of the planet is seen as at a depth r, then rho 1 by rho 2. अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ गए क्या लिखा है, ये एक प्लेनेट है, रेडियस r 2r और r रेडियस तक अलग डेंसिटी है, ये रेडियस आर, रो वन है कोर में और रो टू है आउटर सेल में, यहां पर रो वन यहां पर रो टू, यहां पर एक पॉइंट ए मान ले, यहां पर एक पॉइंट बी मान ले, ए और बी पर क्या सेम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी जी का मान सेम है, यानी ग्रेविटी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आप कह सकते हो ए पॉइंट और B पॉइंट का सेम है, ये लिखा है ना, तो A पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, G इनटू इसका मास 4/3 πr³ रो 1, ये आ गया gm/r²। अब अगर हम लोग B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट पर आएगा 4/3 πr³ रो 1
प्लस, एक तो इसके कारण, दूसरा बाहर वाले के कारण। तो बाहर वाले सेल का मास हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो 4/3 pi, ठीक है, और 8r³ - r³। अब इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो जो आंसर आएगा हमें क्या चाहिए, रो वन बाई रो टू, सॉल्व करने के बाद रो वन बाई रो टू आएगा 7/3, ठीक है ना बच्चा, सब कुछ सिंपल है। यहाँ से आर कट जाएगा, सब में जी कट जाएगा, 4/3 pi कट जाएगा, ठीक है ना, फिर आर क्यूब भी कट जाएगा। अब यहां बच गया 7 रो 2 और वहां पर ये 4 4-1 3 आ गया ना, 7/3 हो गया। पहला क्वेश्चन सर, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू सैटेलाइट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर एंड 910 किलोमीटर। दो अलग अलग सैटेलाइट है, दोनों के लिए अलग अलग 10 किलोमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द सैटेलाइट विच इज मूविंग फास्टर, ध्यान देना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, कहां से, कैपलर्स लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी अगर आर कम होगा तो टी कम होगा, और टी कम मतलब वो फास्टर मूव कर रहा है, तो फास्टर कौन मूव करेगा, ये वाला जिसके लिए आर कम है। उसमें लिखा है इफ द सैटेलाइट विच इज मूविंग फास्टर हैज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 90 मिनट्स, इसके लिए 90 मिनट्स है, तो फाइंड द डिफरेंस इन रिवॉल्यूशन पीरियड्स। अब हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए किसमें, सेकेंड्स में। हम लोग मान लेते हैं पहले का तो 90 मिनट है, दूसरे का 90+t मिनट है, हमें सेकेंड में चाहिए ना, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 90 × 60 टाइम का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, आर क्यूब के, तो आर क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं होगी ना, ऊपर में 9000 है, नीचे में 90 × 10^3, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है, जहां भी जरूरत पड़े हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, यानी कि इसको इस तरफ ले आना और 1 + 1/x इस तरह का 1/, इसको आप उल्टा करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/900, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लेंगे, सॉल्व करके टी आ जाएगा 9 सेकेंड्स, सिंपल है। ये क्वेश्चन में ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, उल्टा करना, अलग अलग कर देना, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेना, ठीक है ना, इसको उधर ले जाना, 2 को तो 3/2 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 सेकेंड्स। तीसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा है टू डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L1 और L2 दिया हुआ है, करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट, द करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज्ड एट द सेम रेट, ऐसा लिखा है, ठीक है बच्चों, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉइल्स इज सेम, पावर दोनों का सेम है, पावर कहने का मतलब V into I, ठीक है ना, I और V को हम लोग क्या लिखते हैं, EMF है ना, LdIdt, ये सेम है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉइल्स इज सेम, एट दैट टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कॉइल इज W1 एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर सेकेंड कॉइल इज W2, हमें क्या फाइंड करना है, W2/W1, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो करंट सेम रेट से चेंज हो रहा है ना, करंट इंक्रीज एट द सेम रेट, I1 L1 और यहां पर I2 L2, DI/DT दोनों के लिए सेम है, ठीक है, और पावर भी सेम लिखा है क्या, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन दैट पावर ऑफ टू कॉइल्स आर सेम, तो इसको कैंसिल कर दो, L1 I1 L2 I2 इक्वल हो गए, I2 हमें क्या चाहिए, W2/W1 ना, तो I2/I1 इसको आप लिख सकते हो I2/I1 L1/L2, ठीक है,
देख रहा एल वन बाई एल टू हो गया आई टू बाई आई वन। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, W जो है ये एनर्जी स्टोर्ड है, यानी हाफ एल आई स्क्वेयर हाफ एल वन आई वन स्क्वेयर बाई हाफ एल टू आई टू स्क्वेयर। हाफ से हाफ कट जाएगा, एक तो आएगा एल वन बाई एल टू, दूसरा ये आ जाएगा आई, अच्छा उल्टा था ना, W टू था। एक काम करो यहां पर टू कर दो, यहां पर वन कर दो, तो ये L2 टू बाई एल वन आएगा। इसको तो मिटा के फिर से लिख सकते हैं ना, L2 टू बाई एल वन और I2 टू बाई आई वन के लिए L1 वन बाई एल टू का स्क्वायर। एक L1 कट जाएगा, एक L2 कट जाएगा, L1 वन बाई एल टू, एल वन की वैल्यू है 8, L2 है 2, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है, थिन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, इट इज मूव्ड विथ वेलोसिटी v, v वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है ना, थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी देखो ये SI यूनिट में वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स। अगर हम लोग L को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे, 2k कैप या माइनस 2k कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल या तो प्लस 2i कैप होगा या माइनस 2i कैप होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस लिख रहे हो या माइनस। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें क्या हो जाता है, एल डॉट वी वी, इसको सॉल्व कर लेना है, मैग्नीट्यूड प्लस आया तो भी माइनस आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया फोर्थ का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें क्या लिखा है, A uniform narrow tube 1.95 meter long is open at both ends. यानी कि ये open organ pipe है. It resonates at two successive harmonics of frequency 275 and 330. 275 है nth harmonic, 330 है n plus 1th harmonic. Fundamental frequency क्या हो जाएगी? 330 minus 275. यानी कि 55 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में देखो बच्चों लेंथ जो होता है ना लैम्डा बाय 2 लिखते हैं क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद करो ऐसा है, अगर हम लोग यहां पर प्रेशर का नोड बना दें ऐसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन तो कुछ ऐसा बनता है, जो भी हो ये लेंथ कितना होगा लैम्डा बाई 2 होगा। अब लैम्डा बाई 2 दिया हुआ 1.95, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1.95, 1.95 39 हो जाएगा, यानी कि 3.9, ठीक है। अब ये मिल गया फ्रीक्वेंसी, हमें क्या चाहिए स्पीड, v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, सॉल्व करके आता है ये 214.5। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिंपल है, तो इसका भी आंसर 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ में लिखा है साउंड फ्रॉम अ वेरी हाई बर्स्ट ऑफ फायर क्रैक फायरवर्क्स टेक्स 4.5 सेकंड टू अराइव एट योर ईयर ड्रम्स, द बर्स्ट ऑकर्ड 1500 मीटर अबव यू एंड ट्रेवल्ड वर्टिकली, यानी ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, थ्रू टू स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ऑफ एयर। टॉप लेयर जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉटम लेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, हमें बताना है लोअर लेयर यानी बॉटम लेयर का थिकनेस क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं बॉटम लेयर का थिकनेस क्या है y, तो देखो बॉटम लेयर का थिकनेस अगर y है, टॉप लेयर का थिकनेस क्या होगा 1500
500 माइनस y, यहां पर स्पीड क्या दिया हुआ है 343, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने समय में, y बाय 343 टाइम में, और अपर लेयर के लिए स्पीड दिया हुआ है तो कितना टाइम लगेगा 330.88, और ये टोटल टाइम किसके इक्वल है 4.5 सेकंड के इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 312 के अराउंड आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाता है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है x की वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 3 लिख सकते हो ना, 104 × 3, आंसर क्या हो जाएगा 3, सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, अ लाइट स्ट्रेट स्लाइडर, ये लाइट स्ट्रेट स्लाइडर है 1 मीटर लॉन्ग, कैन स्लाइड ओवर 2 स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल रेल्स केप्ट वर्टिकली, when a uniform magnetic field of 0.6 tesla is applied perpendicular to the plane of the rails, the slider is found moving with a constant velocity, constant velocity ka matlab niche mg upar ilb dono equal honge, force equal hoga, net force zero, at this instant power dissipated in rails and slider due to their resistance is 1.96, if the slider has mass 0.2 किलोग्राम, देन फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ इंटू वी, और पावर दिया हुआ है 1.96, एफ को लिख देंगे एमजी, हमें क्या फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 1.96 डिवाइडेड बाय एमजी, मास कहां दिया है 0.2, जी की वैल्यू अगर 9.8 लिख दोगे तो देखो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता है, 0.2 × 9.8, ये 19.6 आता है ना, डेसिमल का 1.96 आएगा, आंसर 1 आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज ई नॉट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द सैटेलाइट इन अ सैटेलाइट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 3 times द रेडियस ऑफ इनिशियल ऑर्बिट इज एक्स बाई 3 E0 मोड ऑफ एक्स, मतलब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल से बात मैं कहता हूँ बच्चों, अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है, रेडियस स्मॉल r है, टोटल एनर्जी होती है -gmm/2r, ठीक है ना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब ये E नॉट दिया हुआ है, E नॉट, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट नेगेटिव में, बाद में हमें कहां ले जाना है 3 times पर, तो 3 जब आप यहां लिखोगे ना 3r रेडियस 3 times, तो E डैश क्या हो जाएगा, E नॉट बाई 3 हो जाएगा, बताओ E नॉट बाई 3, हमें क्या चाहिए डिफरेंस तो चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, ई डैश माइनस ई नॉट, तो माइनस 2E0/3 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड चाहिए एक्स के बदले क्या आ जाएगा 2, हो गया आंसर, सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंदी हो सकता है, ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी जरूर है, और इतना लेंदी भी नहीं है, हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल मास एम इज हेल्ड एट वन एंड एंड वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यू कैन इग्नोर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द रोप इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोप टू द अदर इज πx/√2ω, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्टीमेटली हमें यह फाइंड करना है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक वेव को जाने में क्या टाइम लग रहा है। ठीक है, तो देखो इसको, अरे तो ब्लैंक एक स्लाइड निकाले और इस पर सॉल्व करते हैं, ये एक रोप है
और इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे टेंशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जाओगे टेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हम लोग एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे। तो इसके बाद का जितना भी सिस्टम होगा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इतने से पार्ट को हम लोग सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। अब हमें इस जगह टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जो भी टेंशन होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। इसका मास हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल मास बाय लेंथ, लेंथ को एल नाम दे दे, टोटल मास कैपिटल एम, लेंथ है। फिर उसके बाद इसका जो लेंथ है क्या होगा, एल माइनस एक्स, ये x है तो इधर लेंथ l माइनस x, ये हो गया मास m इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। r क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप x प्लस l माइनस x बाय 2 लिख सकते हो क्या बच्चों, ये वाली डिस्टेंस बता दो, तो लिख दे x प्लस l माइनस स्मॉल l है, स्मॉल l माइनस x बाय 2। तो अब इसको जरा सॉल्व करो, यहां पर 2x आ जाएगा, 1x कट जाएगा, l प्लस x, यहां l माइनस x, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a प्लस y, a प्लस b, a माइनस b, ऐसा लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा, ये l और 2, इतना गया टेंशन। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं क्या, मास पर यूनिट लेंथ म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया टेंशन। वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो जब आप टी बाय म्यू करोगे ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, म्यू तो कट ही जाएगा, और इसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। dx by dt हमें क्या चाहिए, टाइम ही तो चाहिए ना, कितने समय में एक एंड से दूसरे एंड तक वेव पहुंचेगा, ये तो फाइंड करना है। यदि एक अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, यदि एक अनुप्रस्थ तरंग द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लिया गया समय, समय हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब टाइम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, इसको आप इधर ले आना, dt को उधर ले जाओ, t इज इक्वल्स टू, एक तो रूट टू बाई ओमेगा आ गया, रूट टू ऊपर नीचे ओमेगा, और क्या आएगा, डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ उल्टा करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जीरो से आर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स, मैं ये लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बाई एल, ठीक है। तो जब आप जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा, जब एल पुट करोगे तो वन आ जाएगा, और साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू, यानी ये हो जाएगा रूट टू पाई बाई टू ओमेगा, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो टू पाई बाई टू रूट टू ओमेगा, ठीक है ना। अब ऊपर टू के जगह एक्स दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, टू, ये ना एक्स लिखा है, एक्स की वैल्यू टू, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। देखो 10th भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, यानी स्टैंडिंग वेव है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड्स, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इज, देखो x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये कुछ और टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टर्म की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए,
वाई मैक्स कब एक्स इक्वल्स टू फाइव पर 4 इंटू साइन पाई एक्स के बदले 5 सेंटीमीटर और नीचे 15 साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 कितना होता है? रूट 3 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2√3। समझ में आया? इसका साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2, 2 से ये कट जाएगा 2√3, और वहाँ एक्स रूट 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आंसर 2। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।